कितना अच्छा है। फूल फल ये आप हम काटे थे या कटिंग की थी? कटिंग करके रखा हुआ था तो मुझे याद पड़ा कि ये रखा हुआ है, तो चलो काम में लगा लेते हैं। चलो अच्छा जी, पता है अंदर पिंक कर देना चाहिए, ऊपर से ग्रीन करना चाहिए था। नहीं ये ज़्यादा ठीक है। अच्छा क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ब्लू हो गया है ना, तो उसको बैलेंस के लिए ऊपर से ये कलर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत ठीक से होंगे और ठीक से रहें, जहाँ रहें तहाँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों हमको टिफ़िन तैयार करनी है, सुबह सुबह में जल्दी जल्दी टिफ़िन के में बनाएंगे आलू चना की सब्जी। सब्जी तैयार हो जाएगा, पराठा टिफ़िन रख देंगे। उसके बाद खाना पीना हो गया सुबह का दोस्तों, फिर बनाएंगे हैंड फैन। ये कपड़ा बचा हुआ था साड़ी, ये जो ब्लाउज है ये मजबूत नहीं था, इसलिए हम फैन बना देंगे। तो वो पुराना फैन था वो ख़राब हो गया, तो उसको न्यू बना देंगे। तो कपड़े कुछ साइज काट लिए हैं, काट के हाथ से सुई धागा से जो है इस तरह सिल लिए हैं टाइट में, फिर किनारे किनारे से फिर सिल देंगे दूसरा कपड़ा पट्टी लगा के। फिर ये दूसरे कलर में कपड़ा डिजाइन में काट के बची रखी हुई थी, तो उसको हम इस तरह पेंच कर देंगे। और जो है बिजली ना रहने पे ये बहुत काम की चीज़ होता है, ये हाथ में लिए रहो गर्मी नहीं लगती है, डुलाते रहिए। देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है, काम की चीज़ भी है और जल्दी से बन के तैयार भी हो गया है। कम से कम 20-25 मिनट लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। फूल फल ये आप हम काटे थे या कटिंग की थी? कटिंग करके रखा हुआ था तो मुझे याद पड़ा कि ये रखा हुआ है, तो चलो हम काम में लगा लेते हैं। चलो अच्छा जी, पता है अंदर पिंक कर देना चाहिए, ऊपर से ग्रीन करना चाहिए था। नहीं ये ज़्यादा ठीक है। अच्छा क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ब्लू हो गया है ना, तो उसको बैलेंस के लिए ऊपर से ये कलर अच्छा दे रहा है। इसके दोस्तों दाल चावल उड़द और चना दाल और चावल भिगो के रखे हुए थे, गल गया, इसको साफ करके हम सिल बट्टे से पीस लेते हैं। हमें बनानी है रिक्वेस्ट, पत्ती तैयार हो गया है तो बना लेते हैं। पीस के दाल पीस लिए हैं, फिर पत्ती तोड़ लाते हैं, धुलेंगे इसको 2-3 बार धुल लेंगे, उसके बाद बनाएंगे रिक्वेस्ट। कभी कभी कुछ अलग खाने का मन होता तो हम लोग कभी कभी कुछ इस तरह बना लेते हैं। बहुत बड़ी पत्ती नहीं हुई है लेकिन खाने का मन हो रहा था तो तोड़ लेते हैं, पत्ती बना लेंगे, फिर यहाँ धुल लेंगे। फिर धुलने के बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर दाल में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लिए हैं, नमक, हींग, जीरा, काली मिर्च, लहसुन ये सब पीसे हुए थे, थोड़ा सा नींबू रस निचोड़ दिए हैं, आमचूर खटाई पाउडर भी आप सभी लोग डाल सकते हैं, कुछ खट्टा चाहिए इसमें तभी टेस्टी लगता है, चटपटा थोड़ा मिर्चा वगैरह जब चटपटा मसाला होता है तब अच्छा लगता है। तो हम एक रोल जो है लपेट के बनाए हुए हैं और बकिया जो है काट के बेसन में लड्डू की तरह हम रख दिए, भाप हो गया है। फिर उसके बाद में पीस बना के तल लेंगे, ये जल्दी भी हो जाता है टेस्टी भी लगता है इस तरह बनाते हैं। तो रिक्वेस्ट ये दोनों तरीका आप सभी को कैसा लगा कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा, जो अच्छा लगा हो तो। उसके बाद ठंडा हो गया है, सरसों तेल में ही हम तल रहे हैं दोस्तों। हमारे यहाँ ज़्यादातर सरसों तेल ही प्रयोग किया जाता है, लोहे के तावे में तलेंगे तो इसका स्वाद और दुगना हो जाता तेल है। नहीं उधर आप रख दी, चाय के साथ खाइए, सिरके के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और हम लोग के घर में अक्सर गन्ने का सिरका रखा हुआ होता है, घर का बनाया हुआ वही हम लोग प्रयोग करते हैं।
आ जाइए आप सभी लोग, रिक्वेस्ट सिरका खा लीजिए। फिर ये शाम की लग रही है झाड़ू हमारी, तो फटाफट लगा लेते हैं झाड़ू। झाड़ू लगाते लगाते हम और बच्ची जो है दोनों लोग मिल के बात कर रहे हैं। पॉपकॉर्न लेसे घास तो नहीं है ना? नहीं मक्का है बेटा, कैसा कर लो इसका घास भी होता है ना, लगा होता है लेकिन छोड़ देते हैं। इतनी मक्का है ये देखो पिंक और वाइट। हमें ये पता है क्यों हुआ है, वो जो हम लोग बीज ला के यहाँ लगाए थे ना, वो F2 जनरेशन में नहीं, वो F1 जनरेशन से उगा हुआ वो बीज था, अब वो F2 जनरेशन यहाँ दिखा रहा है वो बीज था। और जो ये मिक्स हो गया है इसका, इसको कहते हैं पीलियोट्रॉपी। तो ये इसको जितने कट किया जाएगा उसे फैलाएगा। बाय बाय। कितना सुंदर लग रहा है इसकी पत्ती पीछे से देखो। हाँ सुंदर लग रहा है। जिको 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 फुई 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 फुई। गवावा बहुत होता है, जंगल है। आप भी छोटी थी ना पहली बार? हाँ पहली बार। अरे पहले स्कूल जाते थे बचपन में। तो आपके लिए दूध पाउच बना के दे देते थे, एप्पल देते थे, बिस्किट देते थे, चीनी भी दे देते थे कि बिना चीनी दूध होते थे। अरे बाप रे, पूरा हम किचन बनाते थे तब तो। क्या हम कितने दिन बाद आ रहे हैं ऊपर देख रहे हैं, इतने दिनों बाद पहुँच ही नहीं पाएंगे उधर, जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इतना ऐसा लग रहा है हम गुफा उफा में आ गए। मम्मी गुफा ही है, धूप यहाँ। और वो देखो ऊपर ये चीज जो बढ़ गया है, ये तो एकदम ऐसा लग रहा है, पता है क्या लग रहा है, जैसे सब लोग टेंट वेंट बनाते हैं ऊपर छपरा डाल देते हैं, एकदम वही वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ एकदम पूरा क्लियर, ऊपर एकदम भरा हुआ, उधर भरा हुआ। मम्मी ये रोज क्यों नहीं हो रहा है, क्यों लग रहा है पत्ती वाला है? लग रहा है सूट पीस के लिए। कहाँ पे कोई और काटना था, लेकिन कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, कल काट दें। अरे कोई नहीं, तुम लोग बच गए, ये लोग बच गए, ये लोग बच गए, ये लोग देखो आप। चलो अच्छा, हमें घास कट गया, अभी बरसात में बड़ी दिक्कत होती है, होगी तो फिर धीरे धीरे फिर और बढ़ेगा। हाँ हर जगह ही तो घास ही घास हो जाए। अब क्या, कब तक बारिश होती है मम्मी? सितंबर के, सितंबर तक तो होती है, आराम से होती है, मुझे याद है मेरे बर्थडे तक होती है।
अब यहाँ रहन दो, 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 चलो चलो कल कर लेना, थोड़ा 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 रोज करना चाहिए, साथ नहीं करना चाहिए ना मम्मा। हाँ अब बोलो बाय बाय टाटा, तुम बोलो, बोलो बाय बाय टाटा टाटा बाय बाय, बोलो बोलो बोलो, नहीं बोल रहे। आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, आशा करती हूँ अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।